नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव डिजाइन बाय एस के में तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि गोल लकड़ी की माप कैसे निकालें तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था फिर भी उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रह गया था हमारे सब्सक्राइबर के बीच में तो उनके कमेंट आ रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार दोबारा से सबके डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर दूँ आपकी बार तो दोस्तों जो हमारा गोल लकड़ी जैसे ये है मान लो लकड़ी है हमारी पूरी जिसकी लंबाई दस फीट है और दोस्तों ये जो चार फीट मैंने जो लिया है ये हमेशा सेंटर से माप कर हैं क्योंकि ये वाला मुँह लकड़ी का एक तरफ का चौड़ा होता है कहीं एक जगह पतला होता है तो हम क्या करते हैं उसके सेंटर का जो माप होगा हम उसको माप कर लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ था यहाँ पे कुछ और आ रहा था लेकिन हमने सेंटर में मापा तो ये आ रहा था चार फीट और इसकी जो लंबाई है ये है दस फीट दोस्तों जो इसका फार्मूला जो होता है जो सब बताते हैं आपको फार्मूला देखा होगा आपने सब जगह कि गोलाई गुणा गोलाई गुणा, गुणा लंबाई जो दोस्तों गोलाई इसको क्या होता है कि ये दो बार मापी जाती है और दो बार मापने का रीज़न मैं बताऊंगा कि क्यों मापा जाता है दो बार क्यों आता है आपका और जो इसको दोस्तों डिवाइड किया जाता है वो तेईस जीरो चार से किया जाता है मैं आपका डाउट ये भी क्लियर करूंगा कि इसको क्यों किया जाता है तेईस जीरो चार से तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इस वीडियो को दोस्तों ये हमने जो लिया है ये चार फिट हम इसको इंच में लेंगे और इसको फिट में ही लेंगे जो गोलाई होती है उसको हम इंच में लेंगे तो दोस्तों हम पहले हम इस वीडियो को सॉल्यूशन कर लेते हैं वीडियो में तो जो फॉर्मूला हमने इसका लिखा हुआ है सामने आपको दिख रहा ही है ये अब हम इसको रखते हैं फॉर्मूले के अंदर तो चार फिट का हो गया दोस्तों आपका कि एक फिट में बारह इंच होते हैं जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक फिट बराबर बारह इंच तो दोस्तों ये हो गया आपका चार फिट बराबर अड़तालीस इंची तो यहां लिखेंगे दोस्तों वो पहली गोलाई क्या हो होगी हमारी अड़तालीस गुणा अड़तालीस और गुणा ये दस फीट तो हमें करना है इसको तेईस जीरो चार से भाग तो दोस्तों आप इसको हम कैलकुलेटर की मदद से हम कर लेते हैं तो इसका हमारा लगभग आएगा तेईस जीरो फोर जीरो और हमें डिवाइड करना है इससे तेईस जीरो चार से तो दोस्तों ये आपका दस बार में कट जाएगा तो आपका आ गया दस घन फिट तो दोस्तों जो आपकी लकड़ी है ये टोटली आई है आपकी दस घन फिट इसको सी एफ टी भी लिख सकते हो सी एफ टी क्यूबिक फिट तो ये आपका टेन क्यूबिक फिट आ गया अब दोस्तों जो आपके यहाँ मार्केट में जो रेट चल रहा होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जैसे मतलब हमारे यहाँ मान लो पैंतीस सौ रुपये क्यूबिक फिट चल रहा है तो ये हो गया हमारा मैं यहाँ लिखता हूँ मार्केट रेट हमारे यहां चल रहा है ये पैंतीस सौ रुपये तो अब इसका कितना हो गया टेन इंटू पैंतीस सौ से हो गया आपका पैंतीस हजार तो दोस्तों जो आपकी लकड़ी हो गई जो दस फीट की ये आपको पड़ेगी पैंतीस हजार रुपए की तो दोस्तों ये जो इसको हम सिंपल तरीके से तो इस तरह से निकाल लेते हैं लेकिन बहुत से भाइयों का हमारा सवाल था कि ये तेईस जीरो चार से क्यों डिवाइड किया जाता है तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई सिलेंडर मान लो एक तरीके से जो मैथमेटिकल में दिया होता है ये सिलेंडर दिया होता है इसको सिलेंडर बोलते हैं वो लोग उसमें क्या होता है आपका जैसे मान लो एक होता है परिधि या परिमाप बोल लो इसको कि सरकमफ्रेंस बोलते हैं तो जो इसका फॉर्मूला जो दिया होता है दो दोस्तों मैं सी का सरकम का फॉर्मूला जो होता है टू पाई आर इसमें क्या होता है दोस्तों आपका टू पाई आर हो गया ये अब अगर हम आर निकालेंगे तो आर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे सी अपॉन में टू पाई तो ये आर आ गया हमारा इतना अब दोस्तों यहां पे हम निकालते हैं वॉल्यूम अगर इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का तो ये हो गया वॉल्यूम तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है आपका दोस्तों इसमें क्या होता है इनका मैथमेटिकल में टू पाई आर स्क्वायर एच अब आर हमारे पास क्या है अपॉन में टू पाई तो हम क्या करेंगे पाई इंटू सी ओन में टू पाई इंटू अपॉन में टू पाई हमने इसको आर को रख दिया है इसके अंदर और ये हो गया आपका फॉर्मूले में पुट तो दोस्तों क्या होता है कि हम पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया तो आपका जो ऊपर बचा फॉर्मूला ये हो गया आपका c इंटू सी इंटू एच मतलब परिधि गोलाई बोलते हैं ना इसको जैसे हमने बताया था आपको कि गोलाई होना गोलाई और कितना नीचे बचा आपका फोर पाई क्योंकि टू एरा टू पाई एरा तो टू टू या फोर और ये आ गया फोर पाई तो ये आ गया आपका फोर पाई तो फॉर्मूला दोस्तों यहां से बनता है अब हमें क्या करना होता है कि जो पाई की वैल्यू हम क्या करते हैं पाई की वैल्यू जो दोस्तों दी होती है ज्यादातर पाई की वैल्यू दी होती है हमारे पास बाईस बटे सात अगर इसको अगर प्रॉपर निकालोगे आएगा थ्री पॉइंट वन फोर लेकिन हम क्या कर लेते हैं इसको थ्री पॉइंट में ना लेकर के हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं तो दोस्तों ये क्या होता आपका ये आ गया आपका फोर इंटू फोर अगर पाई की जगह हम फोर रख देंगे तो मैं यहां रख के दिखाता हूं आपको किसी इंटू सी इंटू एच और ये फोर पाई था ही, तो फोर फोर आ गया हमारा और पाई की वैल्यू हम यहां रख देंगे फोर तो दोस्तों ये होता है बेसिकली फॉर्मूला हमें फोर बाई फोर से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा फोर इंटू फोर से जैसे हमने यहां पे किया था तेईस जीरो चार से अगर हम इसको इंच में कन्वर्ट नहीं करते चार फिट को अगर इंच में कन्वर्ट नहीं करेंगे अगर हम डायरेक्ट चार फिट रखते तो हमें डायरेक्टली चार इंटू चार से डिवाइड करना होता तो इसमें दोस्तों अब ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ये कैसे आया तो अब मैं ये आपको बता देता हूं कि ये तेईस जीरो चार कैसे आया था तो दोस्तों यहां में लिख देता हूं दोबारा C इंटू सी इंटू एच अपॉन में फोर इंटू फोर ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया दोस्तों अब हम अगर फोर फीट को अगर इंच में कन्वर्ट करते हैं तो हमने क्या करा था यहाँ पे इंच में कन्वर्ट कर लिया था तो फोर इंटू फोर तो हमारा आया ही था जो फॉर्मूला हमने निकाला ये आया हमने इसको इंच में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है आपका डायरेक्ट जैसे कि ये चार फिट है तो चार फिट नहीं आएगा कि तीन फिट कुछ इंच आएगा तो आप हम क्या करते हैं उसको इंच में ले लेते हैं तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे इंच में ले लिया अगर आपके डायरेक्ट कोई वैल्यू प्रॉपर कोई उसमें फ्रैक्शन में नहीं आ रही है कोई डायरेक्टली जैसे चार फिट आ रहा है तीन फिट आ रहा है दो फिट आ रहा है तो आप उसको इंच में ना कन्वर्ट करके खाली फिट में ही लिख के कर सकते हो तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिखता हूँ क्या है हमारे पास फोर फीट बाई फोर फीट और हाइट कितनी थी इसकी हमारी दस फीट और दोस्तों हमारा फॉर्मूले में क्या आया था फोर इंटू फोर तो फोर हमने यहाँ रखा फोर यहाँ रखा अब क्या होगा कि फोर फोर से ये दोनों फोर कैंसिल हो जाएंगे एक फोर से एक फोर कैंसिल एक फोर से एक फोर कैंसिल तो आपका क्या गया? 10 feet direct आ गया टेन फीट डायरेक्ट आ गया यहाँ पे सी एफ टी तो टेन सी एफ टी आपका यहां पे आ चुका है अगर मैं दोस्तों इसको यहां पे इंच में कन्वर्ट कर देता तो मैं यहां लिख देता हूं अगर कि मान लो मैं चार को फिर इंच में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा आया फोर्टी एट इंची फोर्टी एट इंची और गुणा ये टेन तो ये चार कैसे आता है तो हमने इंच में कन्वर्ट किया था तो इसको फिट में कन्वर्ट करने के लिए फोर्टी एट इनको बारह से डिवाइड करना पड़ेगा इसको भी बारह से डिवाइड करना पड़ेगा और दोस्तों ये हमारा आया ही था फॉर्मूले में फोर इंटू फोर तो ये इसको हम यहाँ लिख देंगे फोर इंटू फोर अब आप इन सबको जो गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा ऊपर का तो आएगा आपका तेईस जीरो चार जीरो और नीचे का आएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सबको तो तेईस जीरो चार तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे ना लिख करके हम डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर तेईस जीरो चार से डिवाइड करने के लिए बोल देते हैं इससे क्या होता है कि ये आप याद रख सकते हो कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा उसको फिट में भी लिख लेता है लेकिन उसको फिट में दोबारा से बारह से डिवाइड कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है क्वेश्चन तो इसलिए आपको बस खाली तेईस जीरो चार याद रखने के लिए बोलते हैं कि ये बस ये फॉर्मूला ही होता है आपका कि गोलाई गुणा गोलाई गुणा लंबाई और तेजी अचार से हम उसको भाग दे देते हैं अगर डायरेक्ट आपके पास अगर छः फिट आ रहा है आठ फिट आ रहा है नौ फिट आ रहा है कुछ भी ऐसी वैल्यू आ रही है अगर आपके पास तो आपको बारह से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्टली खाली फोर इंटू फोर से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पे किया था कि फोर फिट हमारे पास है ही और फोर से हमने क्या करा फोर इंटू फोर और इंटू टेन और डिवाइडेड बाई फोर बाई फोर तब भी हमारा यही आया था और अब भी हमने जैसे मान लो पूरा इस तेजी और चार को खोल के लिख दिया हमने यहाँ पे कि तेजी और चार कैसे आता है तो अभी हमारा टेन सी एफ टी आएगा ठीक है और हमने जो तेजी और चार डायरेक्ट लिख के करा था तो अभी हमारा टेन सी एफ टी आया यहाँ पे तो दोस्तों इसमें मैं जानता हूं कि आपके आप सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे शायद इस वीडियो में आपको अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरी वीडियो को देखने के लिए अब इसमें आप ये भी समझ गए होंगे कि तेजी और चार कैसे आता है और कब तेजी और चार नहीं लगाते हैं जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ डायरेक्ट कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसको फिट में भी कर सकते हैं अगर तो कोई फिट में करना चाहता है लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं हम इंच में निकाले करते हैं हम क्योंकि हम नहीं याद रखते हैं तेजी और चार से हमें डिवाइड करना होता है इसलिए हम उसे इंच में बोल देते हैं करने के लिए कि हमेशा इस वैल्यू को इंच में लिख के ही करें लेकिन अगर कोई वैसी वैल्यू आती कि मान लो यहाँ पे छप्पन इंच होता तो हमें फिर भी इंच इंच ही लेना पड़ता तो इसलिए हम उसको भी इंच में ही कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ही तो दोस्तों बस यही मेरा मोटिव था बताने का इस वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि बहुत सारे भाइयों के हमारे कमेंट आ रहे थे कि ये तेज जीरो चार नहीं आएगा कि आपने इसको गलत भी भाग किया है कोई कह रहा था कि चार से चार बाई चार से करेंगे तो मैंने आपको सब बता दिया इस वीडियो में कि तेज जीरो चार कब आएगा चार बाई चार चार इंटू चार कब आएगा आपका और ये वाला मैंने आपको खोल कर बता दिया फॉर्मूला कि चार बाई चार कहाँ से आता है ये तो दोस्तों आपको कोई डाउट हो फिर भी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ धन्यवाद